Hello guys, welcome to the series of lectures on engineering mathematics. This is the second lecture of this series. In a previous lecture, we have discussed the syllabus and we have taken a two problem based on calculus of mechanical engineering gate 19. Today we are going to start the module 1, linear algebra. Usme hum inverse of matrix, rank of matrix, eigen value, eigen vector, model matrix, Clay Hamilton theorem, Sylvester theorem and linear dependence. ये जो सभी topic है, इस topic के ऊपर हम क्या गेट में आए हुए जो क्वेश्चन और एकेडमी में अभी तक के जो पूछे हुए सभी क्वेश्चन हम क्या करने वाले, कवर करने वाले, लेने वाले, ठीक है। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड द नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। सो आज हम क्या लेने वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 19 में जो आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें क्या फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू ये फाइंड आउट करना, उसमें चार ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन हम आज लेने वाले। देन अगेन जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड वेक्टर रेडियस, ये जो क्वेश्चन है एकेडमी में बहुत बार पूछ चुका है, ये भी हम क्वेश्चन आज लेने वाले, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू एंड आइगन वैल्यू एंड रेडियस, स्पेक्टर रेडियस ऑफ द मैट्रिक्स ए, ए इज द मैट्रिक्स गिवन, उसको हम प्रोसेस मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। तो सो ए इज द प्रोसेस मैट्रिक्स, स्टार्ट करते हैं। सो ए माइनस लैम्बडा आई, ए माइनस लैम्बडा आई, हियर लैम्बडा इज द स्केलर एंड इट इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। सो ए माइनस लैम्बडा इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एंड इफ यू इक्वेट दिस मैट्रिक्स विद जीरो देन इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इसको अगर हम जीरो से अगर क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। उसको मैं सीई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम प्रोसेस करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन 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 जीरो टू वन माइनस फोर फोर थ्री, ओके। दिस लैम्बडा अगेन ये आइडेंटिटी में वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इज इक्वल टू जीरो। देन क्या करेंगे, जो लैम्बडा है वो मैट्रिक्स इन साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है वो फिर इसमें से ये मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो लैम्बडा इनटू 1, ये लैम्बडा हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, यहां पे हो जाएगा। सो नाउ 1 माइनस लैम्बडा, ओके 1 माइनस 0, सो यहां पे 1 हो जाएगा, अगेन 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, यहां पे 0 2 माइनस, देखो यहां पे लैम्बडा, देन यहां पे 1 आ जाएगा, देन माइनस 4 4 3 माइनस लैम्बडा, ओके इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिला, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और वो कौन सा इक्वेशन है, उसको उसी को इक्वेशन से सॉल्व करना है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। देन अगेन इट इज सॉल्व बाय, दिस इज लैम्बडा क्यूब माइनस एस वन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस टू लैम्बडा माइनस मॉड एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एस वन क्या है, एस वन इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, क्या सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ प्रोसेस मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे देखो, ये जो है इसका, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट एस वन क्या होता है, तो यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री ये हो जाएगा सिक्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे एस वन हो गया, नाउ एस टू, एस टू इज द सम ऑफ ऑल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सो इस सम ऑफ ऑल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पे एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो ये माइनस, यहाँ पे दिस इज एम वन, देन दिस इज द M2, okay, and this corner element of the process matrix called as M3, okay. Now यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1, 0, 2, then plus यहाँ पे 2, 1, 4, 3, okay, then plus यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1, minus 4, 3, ठीक है। Then इसको solve करते हैं, हम calculator में जब solve करते हैं, इसका answer हमें क्या मिलेगा, देखो 1 यहाँ पे 2 माइनस 0 देन यहाँ पे 6 माइनस 4 देन यहाँ पे 3 प्लस 4, ठीक है, देन इसका आंसर मिलता है 11। नाउ देखो यहाँ पे s2 भी हो गया, नाउ हमें मॉड ऑफ a फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ a, ठीक है। सो मॉड ऑफ a यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a यहाँ पे मॉड ऑफ a हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ a हो जाएगा 1, हां यहाँ पे 1 दिस इज 2 1 4 3 then minus 1 again this is 0 minus 4 1 3 then plus 1 and 0 2 minus 4 and 4 then इसको
कंप्लीट जो मैट्रिक्स है जो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं उसका डिटरमिनेंट, तो हमें इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा, ए का डिटरमिनेंट मिल जाएगा 6। ओके नाउ ये सब अभी देखो यहाँ पे हमने सभी वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन इसमें हमें क्या करना है, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्बडा क्यूब, ओके एस वन देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। एस टू देखो यहाँ पे 11 लैम्बडा माइनस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0। ओके नाउ ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये इक्वेशन को ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे बाय कैलकुलेटर, ओके। तो इसका कैलकुलेटर में जब सॉल्व करते थे इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 1, 2 and 3। ओके सो दिस इज द आइगन वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे हम, आइगन वैल्यू बोलेंगे, इसी को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेट ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम, ये जो सेट रहेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, द सेट ऑफ आइगन वैल्यू, द सेट ऑफ आइगन वैल्यू, द सेट ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल रेडियस, तो लार्जेस्ट जो भी वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू जो भी रहेंगे सेट की उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेडियस हो जाएगा 3, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, सो स्पेक्ट्रल रेडियस हमें क्या मिल जाएगा 3, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इज द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके नाउ हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट 19 में जो क्वेश्चन आया वो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। उसमें हमें क्या दिया है, पी इज अ प्रोसेस मैट्रिक्स दिया है, देन उसमें फाइंड आउट करना है क्या, नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ पी, और उसके चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है। नाउ पी हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे पी इज द मैट्रिक्स वी हैव गिवन दैट प्रोसेस मैट्रिक्स दैट 1 1 0 0 1 1 0 0 1, सो दिस इज द प्रोसेस मैट्रिक्स, अगेन वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे ए दिया था यहाँ पी दिया है, तो पी माइनस लैम्बडा आई, अगेन पी माइनस लैम्बडा इज द क्या रहेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स रहेंगे, इफ वी इक्वेट विद द जीरो देन इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ना अभी क्या करेंगे, अगेन सभी वैल्यू यहाँ पे जिस टाइप से अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 माइनस लैम्बडा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इस टाइप से यहाँ पे लिखना है। देन ये लैम्बडा क्या करना है, मैट्रिक्स के इनसाइड में मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस होल मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा, ओके 1 माइनस 0 1 ही होता है, देन 0 0, अगेन 1 माइनस लैम्बडा, ओके यहाँ पे अगेन 1 0 0 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ना अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन क्या है, लैम्बडा क्यूब माइनस एस वन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एस टू लैम्बडा, ओके मॉड ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पे देखो पी दिया तो मॉड ऑफ पी लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे S1 क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1, सो S1 इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। सो S2 यहाँ पे देखो S1 हो चुका है, नाउ S2 है सम ऑफ ऑल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिस इज M1 हो जाएगा, ओके नाउ दिस इज M2 हो जाएगा, ओके ना यहाँ पे देखो ये जो फॉरनर एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, देखो M3 हो जाएंगे, तो नाउ यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिस इज M1 M2 + M3, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे 1 1 0 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएंगे 1 1 0 1, देन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 0 0 1, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0, अगेन 1 माइनस 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3, सो S2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। नाउ हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो S2 भी हो चुका है, S2 भी हम सॉल्व किया है, नाउ मॉड ऑफ P फाइंड आउट करेंगे। सो मॉड ऑफ P, अगेन मॉड ऑफ P जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखो क्या है 1 1 0 1 माइनस 1, अगेन दिस इज क्या हो जाएगा 0 0 1 1, देन प्लस दिस 0 है ना, यहाँ पे मिल जाएगा दिस इज 0 0 1 एंड
ना यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वन वन इंटू यहाँ पे वन माइनस जीरो आ जाएगा, माइनस वन दिस इज जीरो आ जाएगा, ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज जीरो देन प्लस दिस इज अगेन जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे पी मॉड ऑफ पी मिल जाएगा वन। नाउ ये सभी वैल्यू देखो अभी मॉड ऑफ पी ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करना है हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या जब इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा क्यूब और एस वन जो है मिला है थ्री मिला है लैम्बडा स्क्वायर देन थ्री लैम्बडा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे वन इज इक्वल टू जीरो। देन ये जो इक्वेशन इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इससे जो कैलकुलेटर में इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सभी इसके कोएफिशिएंट अगर सब्सटीट्यूट करते हैं हमें तो इसका मिल जाता है यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू वन वन वन, ठीक है। देन ये जो वैल्यू मिली है इट इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे आइगेन वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं आइगेन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे हम ऑप्शन चेक करेंगे हमें क्या ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे देखो लिस्टिंग जो वैल्यू मिली है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया है कि आइगन वैल्यू एंड द स्पेक्ट्रल डेप्थ। आई होप आपको अभी जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझा होगा। सो आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, ओके बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।